अगर कोई हिंदू लीडर सच की आवाज उठाता है तो उन्होंने दबाने की कोशिश की जाती है पंजाब सरकार के पंजाब पुलिस के द्वारा। मेरी कहना प्रशासन जिम्मेदार होगा मेरी मौत कल हो जाती है कोई मेरे ध्यान ला करता जी मतलब की प्रोसीजर की है इन्हों का ये तो उपरों ही विड्रॉ हो के आया जी असि नहीं किए है साथ छड़ना की नहीं छड़ना फिर तो इन हिंदुआ का देख ला चे चोना ते पेमेंट कर दे ठीक रह जाएगा बाकी फिर तेन पता ही है साडा इन्ना कुछ पिया ते कुछ भी कर सकते तेन आ गल का पता सरदार जिहड़ी जवान देंदे पूरी कर दे मां एसडीएम साहब होर मैं तुहानू दस्सना चाहुंदा कितने मैसेज मारे आ गए तूने सारे बाप के मैसेज सुने आ गए सारे मैसेज सुने आगे एक मैसेज का भी जवाब देवे आगा एक मैसेज का तो जवाब ना देवे आगा इस बाप के एक मैसेज का जवाब ना देवे आगा। बजरंग दल हिंदुस्तान दे आगू नू पाकिस्तान वलों मिल रहे धमकी भरे मैसेज काली गलोच दे नाल नाल भेजियां गईयां अश्लील तस्वीरां उच्च अधिकारियों नू सूचित करन दे बावजूद भी नहीं कीती गई कार्रवाई। अबोहर च बजरंग दल हिंदुस्तान दे आगू नू धमकी भरे मैसेज मिलन दा मामला सामने आया है। एह मैसेज पाकिस्तान समेत वख-वख देशां दे मोबाइल नंबरां राहीं भेजे गए ने। इन्हां नू भेजण वालियां वल्लों बहुत ज़्यादा अपमानजनक भाषा दी वरतों भी कीती गई है। इस दे नाल ही अजिहियां अश्लील तस्वीरां भेजियां गईयां ने जो किसी नू नहीं दिखाईयां जा सकदियां। इन्हां अश्लील तस्वीरां विच भारत दे कुछ धार्मिक देवी देवतियां ते कुछ महान व्यक्तियां दीयां तस्वीरां इतराययोग हालत विच दिखाईयां गईयां ने। इस संबंधी जानकारी दिंदियां बजरंग दल हिंदुस्तान दे राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप सोनी ने दस्सिया कि पिछले कुछ दिनां तों उन्हां दे मोबाइल वट्सएप ते पाकिस्तान समेत वख-वख देशां दे नंबरां तों धमकी भरे मैसेज आ रहे ने। इन्हां विच अपमानजनक भाषा दी वरतों करन तों इलावा अपशब्द भेजे गए ने। इस दे नाल ही कुछ संदेशां विच खालिस्तान नाल संबंधित नारे भी भेजे गए ने। इस तों इलावा उस नूं गोली मारन दी धमकी वाले संदेश भी भेजे गए ने जिस तों बाद उन्हां वल्लों पुलिस सुरक्षा की मांग की गई। उन्हां कहा कि पहलां उस नूं पुलिस सुरक्षा दी गई सी पर कुछ दिन पहलां उस दी सुरक्षा वापस लै ली गई है। इस संबंधी पुलिस अधिकारियों तों इलावा उच्च अधिकारियों नूं भी सूचित कर दिता गया पर पुलिस वल्लों अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम कुलदीप सोनी है जी बजरंग दल हिंदुस्तान तों मैं राष्ट्रीय महासचिव हां जी जिहड़ा मैनूं आए दिन कई सालां तों लगभग धमकियां आ रही है पाकिस्तान दे नंबरां तों बाहरले विदेश देश विदेश दे विच बैठे लोकां नूं खालिस्तानी जिहड़े लोक हैगे उहनां दे वल्लों धमकियां आ रही है जानो मारदियां धमकी आ रही है। इस करके मैं डीएसपी साहब नूं एसएसपी साहब नूं ते साडे एसएचओ हरप्रीत सिंह जी नूं कुइयां सर वल्लों तलाह दे दित्ती है ते सीआईडी आईबी काउंटर इंटेलिजेंस समय समय सिर मैं इन्हां नूं ए जिहड़े मेरे कोल फोन आंदे आ इन्हां दी मैं रिकॉर्डिंग या इन्हां दा जिहड़ा स्क्रीनशॉट आ भेजदा हां। मैं कहना जी पंजाब दे विच पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस हिंदुआं दे लई एक घातक बनी हुई है क्योंकि मैंने आप प्रैक्टिकल देखे है जी जिहड़े साडे हिंदू महागठबंधन दे बठिंडे दे विच संदीप पाठक जी जिन्हां ते इन्हां ने 6 जून नूं परचा दित्ता सीगा ओह कोर्ट मानयोग कोर्ट दे विच बेगुनाह पाया गया उन्हां दा दोष किन्ना सी
एक शिव सिख परिवार दे बच्चे दा कतल हो गया थाने दे विच, उन्हां दी आवाज चक्की ता करके संदीप पाठक जी उत्ते इन्हां ने परचा दिता। हिंदुआं दी आवाज दबाण वास्ते पुलिस प्रशासन कुछ भी कर सकती है, कल नूं मेरे ते भी परचा दे सकती है, क्योंकि परसों की गल दसदा जी, मैं परसों मैं आदि पुरुष फिल्म का विरोध करन सी, मानयोग SDM साहब हबोर ते DSP हबोर नूं कंप्लेंट देण वास्ते गया, मंग पत्र देण वास्ते गया, ते मेरे पिछों साढ़े घरे कुइयां साहब दी पुलिस आके साढ़े घरदिआं नूं धमकांदी है भी इहनूं टिका लो, नहीं तां इहदे असीं परचा दे के अंदर बंद कर देना। साडा हिंदू धर्म की आवाज चकना साडे लई गुनाह है जी। ये असीं पुलिस प्रशासन नूं पुछना चाहते हैं, SSP मैडम नूं पुछना चाहते हैं भी बजरंग दल हिंदुस्तान च हिंदुआं की आवाज चकदा है, गुनाह है साडा, या पंजाब च हिंदुआं दा रहना गुनाह है जी। DSP मैडम SSP मैडम अवनीत कौर जी नूं मैं गल कीती, उन्होंने मेरी गल नहीं सुनी। DSP साहब नूं मैं फोन किया जी, IG साहब फिरोजपुर नूं मैं फोन किया जी, मेरे घरे इस करके आदि पुरुष का फिल्म का मैं विरोध कर गया, कोई गलत सी जी दसो, कोई गलत है तो मैं जिहड़ा है साहित्यपूर्वक मेरा मोमरेंडम दे के SDM साहब नूं DSP साहब नूं दे के आया, तो पिछों मेरे घरे पुलिस जाके मेरे घरदिआं नूं तंग परेशान करती है, ये कहड़ी गल है जी। हिंदुआं नूं दबाण की गल की जाती है इत्थे पंजाब दे विच, हिंदुआं नूं पूरा का पूरा दबाया जाता है जी। जे अगर कोई हिंदू लीडर सच की आवाज उठाता है तो उन्होंने दबाने की कोशिश किया जाता है पंजाब सरकार ते पंजाब पुलिस दे दरबारां नूं। देखो जी कल नूं मेरे ते नजायज परचा भी हो सकता है, हिंदू भरावां नूं बेनती आ ते एक जिहड़ा मेरे ते जिहड़ी धमकियां आ रही है, मेरे जिहड़े आदको स्क्रीनशॉट दिखा देना तुहानूं, मैं सारे नूं भेजे हुए है, आ देखो जी गन दिखा के भी कर रहे हैं, मारन की धमकियां दे रहे हैं, बाहर के नंबर है आ गन दिखा रहे हैं, ते आज मेरी देवी देवताओं की गलत मैनूं पोस्टां भेज रही है। मैं सारे नूं कहना प्रशासन परचा कटण तक, मैं एक प्रशासन नूं बेनती की भी FIR दर्ज की जाए इन्हां ते, प्रशासन 3 साल तों मैनूं लारा ला रहा है, मैं दरखास्तां वाधू दित्ती हुई है पर हुण मैं दरखास्तां नहीं दित्ती, क्योंकि प्रशासन मेरी दरखास्तां ते गौर भी नहीं करता। की कारण हैगा, जे कल नूं मेरे जानी माली या मेरे परिवार का कोई नुकसान हुंदा है तां पुलिस प्रशासन या पंजाब सरकार जिम्मेवार होगी। ਉਧਰੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SSP ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕਿਉਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਸਕਿਉਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਨੇ ਢਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। A1 मीडिया ले अबोहर तो गुरनाम सिंह संधू की खास रिपोर्ट।